परिचय बताइए। मेरा नाम जयराम चौरसिया है, पुत्र तो रामधन चौरसिया है। किस गांव के? ग्राम अड्डा कोशवर है। प्रधान प्रतिनिधि हैं आप? हाँ, प्रधान प्रतिनिधि। ब्लॉक में आई। जिला? गाजीपुर। प्रधान जी का नाम बताइए। श्रीमती पूनम चौरसिया। पूनम चौरसिया, आप यक्ष मिलिट्री मैन भी है? जी सर, मैं पुरुष सैनिक। कब रिटायर हुए हैं? 2019 में मेरे रिटायरमेंट हुए हैं। रिटायर होने के बाद कैसे आपके मन में आया कि हम पहले तो देश की रक्षा करते थे, अब गांव की रक्षा करेंगे? मैं गांव में आया, थोड़ा सा बच्चों से मिला, लोगों से मिला, देखा ये चीज़ें कि गांव में जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही। और जो हमने सीखा कि बाहर देखा, मतलब मैं अपने देश का करीब 24 से 25 राज्य घूमा हूँ, और सोचा कि वो जो हमने ज्ञान देखा है वहाँ पर भी कुछ सीखा हमने गाँव में, कुछ मत में बता सकें होंगे तो कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा और गांव में मुझे सहयोग किया, जिसका परिणाम मुझे अच्छा मिला। कितने वोट से जीते आप? मैं 351 वोट से जीता हूँ। अच्छा, इलेक्शन में आप घर घर दरवाजा दरवाजा घूमे हो? जी जी। तो क्या आपको कमी, मतलब शीर्ष स्थल पर दिखाई दी आपको? शीर्ष स्थल पे जो नाली का सबसे बड़ा समस्या, नाली और खड़ंजे का, मैं गांव में देखा हूँ गलियों में साफ सफाई नहीं है, नाली का सही डेस्टिनेशन नहीं है कि नहीं आप नाली यहाँ से निकालें और अंत उसका कहाँ कर रहे हैं, वो नहीं चीज़ थी। खेल का मैदान नहीं है यहाँ पर, बच्चे रोड पे दौड़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके लिए पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह हो जहाँ वो अपना व्यायाम कर सकें, रोड मतलब खेल कुछ कर सकें, ऐसा नहीं है। पढ़ने का तो वो था कि मतलब एक लाइब्रेरी पॉइंट भी मेरा है कि एक लाइब्रेरी पॉइंट हो, लाइब्रेरी बनाई जाए जिसमें कि गांव के लड़के लड़कियां दोनों पढ़ सकें, बच्चे अपने आकर देखें। इस गांव में अड़िला में स्कूल, राजकीय स्कूल कौन कौन से हैं? प्राइमरी है और माध्यमिक दोनों दोनों है। राजकीय हाई स्कूल नहीं है? नहीं है। बारात घर है आपके गांव में? नहीं है सर, बारात घर नहीं है। और आंगनबाड़ी की बिल्डिंग? आंगनबाड़ी की बिल्डिंग है। पंचायत भवन? पंचायत भवन है, पुराना है। जी जी। और जैसे लाइब्रेरी की बात आपका है जी, तो लाइब्रेरी भी है क्या? आप लाइब्रेरी नहीं है, जगह है, मैं बनवा सकता हूँ उस गांव से बात के जगह है। स्वच्छ जल पीने के लिए जलकल विभाग द्वारा पानी की टंकी लगाई गई है? नहीं लगाई नहीं, ये प्रपोजल है। और पानी की टंकी का कार्य जैसे यहाँ पे चिन्हित हो चुकी है जमीन, और उसका सॉइल टेस्टिंग भी हो चुका है, और प्रोबेबली इस महीने के लास्ट तक हो सकता है कि वो काम शुरू हो जाए। आप कितने कार्य योजना इस बार दिए? करीब करीब 120 से 25 है मेरी कार्य योजना। 120 से 25 कार्य योजना दी? जी जी, छोटी बड़ी सभी मिला करके। और जब से आप प्रधान हुए हैं जी, क्या क्या काम करवाया आपने? मैंने एक नदी किनारे बंधा बनवाया है, चक्रोट, तीन चक्रोट निकाल बनवाया है, कुछ खड़ंजे का काम था उसको कराया है, कायाकल्प के अंतर्गत दिव्यांग शौचालय बनवाया गया है, भूमिगत नाली बन रही है, दो तीन ट्रेनिंग जो कि गांव के महिलाओं के लिए ज़रूरी थी वो कराई गई, जैसे समूह की ट्रेनिंग कराई गई, उनको पता नहीं था समूह क्या है, समूह के माध्यम से कैसे हम अपना विकास कर सकते हैं, सरकार की योजनाएं उनको पता ही नहीं चलती है। वास्तव में यही मेरा उद्देश्य था कि नहीं, सरकार की एक एक योजना गांव स्तर के हर व्यक्ति तक जाए, उसे पता चले कि क्या योजना मेरे लिए है, कैसे मैं उसमें अप्लाई करूंगा तो मेरा उसका बेनिफिट मैं पा सकता। अड़िला गांव की सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? सर्वाधिक है SC की, अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति विकास की। और मुसहर भी हैं इस गांव में? हाँ हाँ, मुसहर। कितने आवास मिले हैं उनको? वनवासी हैं उनका सर, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन लगभग 13 या 12 आवास पहले का मिला होगा, इस बार तो अभी ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी नहीं मिला है? नहीं, अभी जो लिस्ट पहले शॉर्ट लिस्ट थी उसमें उनको मिला है, एक अभी रिसेंटली मिला है, एक रमेश करके रमेश को मिला है, अभी एक आवास आया है। हाँ हाँ, एक रमेश। और OBC में? OBC में इस बार अभी तो नहीं मुझे पता है, लेकिन पहले का जो मिला है। शौचालय कितने मिले हैं? शौचालय मेरे पहले जितने मिले थे उन्होंने 170 कुछ ऐसा बता रहे थे, एग्जैक्ट लिस्ट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसा है। तो अभी आप गांव में घूमे थे इलेक्शन में, तो आपको कितने शौचालय की ज़रूरत महसूस हुई? देखिए सर, शौचालय तो लमसम सभी को, मतलब 10 घर मैं घूमा हूँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं 7 घर प्रोजेक्ट कर रहा है कि मुझे शौचालय चाहिए, तो इसमें व्यक्ति की भी कमी होती है, क्योंकि वो पैसा लेता है या कैसे करता है, बनवाता छोटा सा,
और 5 दिन 10 दिन के बाद या 1 महीने 2 महीने बाद उसका यूज नहीं करता है, उसको ये नहीं पता है कि शौचालय का जो पैसा मिलता है 10,000 या 12,000 जो भी मिल रहा है, वो सरकार एक सहयोग राशि देती है। अब उसे ये कोई सोचे कि नहीं मैं इससे एक अच्छा बड़ा शौचालय बनवा लूँ जो मेरे जीवन भर के लिए रहे, तो वो नहीं है। सरकार एक आप सहयोग राशि दे रही है, आप शौचालय बनवाइए, 5 से 10, 5 साल 4 साल आप उसको चलाइए, अपने विकास कीजिए, अपना बनवाइए। सामुदायिक शौचालय कितने हैं? 100 सामुदायिक शौचालय। एक है जी, कितने हैं? तालाब मेरे गांव में 11 करीब, 11 तालाब जी। भूमिगत नाली की बात बताए जी, जी जो चैम्बर बनता है जी, चैम्बर में कौन से बालू का इस्तेमाल कर रहा है? चैम्बर में मतलब उसकी मजबूती के लिए, मजबूती के रेट बालू का ले, जो यहाँ पर वो अपना राजकीय मिस्त्री है जो उन्होंने सुझाव दिया, जो हरियाणा या पंजाब वंजाब में अच्छे काम करके हैं, तो उन्होंने बताया कि हम सीवर का काम करते हैं और हम आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट देंगे, आप ये सामान दिए, तो हमने वो सामान दिया। तो सफ़ेद बालू दे दिए आप? सफ़ेद नहीं, रेड बालू, लाल बालू, लाल लाल बालू। तो वाइट बालू भी तो देखा गया, बताया गया? नहीं, वाइट बालू तो हम नहीं गए, नीचे भी नहीं है। नहीं, व्हाइट बाल गिट्टी का उन्होंने ले चैम्बर के नीचे, हाँ, ये भस्सी भस्सी करके अभी जो ब्लैक वाली आ रही है ये शायद यूज़ करें उसमें जी। तो उसमें कितने लेबर एक दिन का कार्य कर रहे थे? लेबर देखिए, जितने गांव में मनरेगा का तो रिजल्ट ये रहा सर कोरोना काल की खंड, मतलब इस काल में कि किसी के पास रोजगार नहीं रहा, और लंबे समय तक ये चुनाव चलता, मतलब चुनाव के बाद ये किया, तो मैक्सिमम आए लेबर जितने आए मनरेगा का जॉब कार्ड जिनके पास था उनको लगाया गया, और जिनका जॉब कार्ड नहीं था लेकिन उनके परिवार का जॉब कार्ड था तो वो भी उसमें अप्लाई हुए। हमारा क्वेश्चन था कितने लेबर काम कर रहे थे? करीब करीब 50 लोग, एक एक साइड में 50 से 20 एक दिन में काम कर रहे थे? हाँ हाँ, 50 से भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो आपका जो आकलन है, मानक है, मानव दिवस में कन्वर्ट होता है जी, हाँ, तो कितने मानव दिवस कार्य हुए अभी तक? मेरे हिसाब से एक एक व्यक्ति का 30-30 दिन हुआ। उस समय आपके गांव को कैसा देखा जाएगा? सर, मैं एक सर्विस मैन हूँ और मैं मॉडल डिप्लोमा करता हूँ, मैं आईटी से भी हूँ, और मेरा उद्देश्य है कि मॉडल विलेज बनाया जाए मेरा गाँव, और मेरे साथ जो मेरे ऑफिसर से रिटायर्ड हैं उनका भी उद्देश्य है कि नहीं आप बेहतर से बेहतर कर सको, मेरा जो सहयोग है तकनीकी या जो हम बता सकते हैं वो चीज़ आपको दें। राम प्रधान जी एक्स मिलिट्री मैन हैं और जयराम चौरसिया नाम इनका है, और एक दुर्लभ फूल दिखाई दे रहा है, फ्लावर, उसके बारे में भी हम पूछते हैं इनसे। प्रधान जी, ज़रा ये बताइए कि ये जो फ्लावर है ये जी जी, तो ये किस चीज़ का फूल है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलिकोनिया, और मेरी पोस्टिंग थी अपना मणिपुर में, वहाँ मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा और मैं सोचने लगा कि ये मैं फ्लावर अपने घर पे प्लांट करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा नेचर से काफ़ी लगाव रखा हूँ, और इसलिए मैं ये प्लांट लेके आया और लगाया, और ये देखिए आज रिजल्ट है कि ये फ्लावर ब्लूम है यहाँ पे। और पीछे भी हमारे पास देखिए कितना, वैसे भी हम खड़ा हैं यहाँ पर, बहुत ही पर्यावरण पहले बोलो। एक्स मिलिट्री मैन जयराम चौरसिया जी हैं और अपने हाथों से ये फ्लावर को पकड़े हुए हैं। क्या नाम है इसका, जरा बता दीजिए फिर से? इसका इंग्लिश में नाम है हेलिकोनिया। हेलिकोनिया, हाँ हाँ। मूल रूप से ये मान चले कि नॉर्थ ईस्ट में इसका प्रजाति ज़्यादा पाई जाती है, कई तरह की इनकी मतलब कलर, कई तरह का कलर है इसका। अच्छा, ये फल नहीं देता है? नहीं, यही है जो कुछ है, यही ये फल इसी में है और फ्लावर भी यही है। तो इसका ये देख लीजिए, एकदम सेम बांस की तरह ये है। हाँ, केले की, केले की तरह है, केले की पत्ते की तरह है। और जो नीचे लगा हुआ है इसको तो साग बोलते हैं, प्रधान जी को खुद नहीं पता है, गमले में इनका अमरूद जो है फल रहा है, ये भी देख लीजिए। इसके बारे में कुछ और बताइए। ये बिल्कुल अगर नया बादाम का पेड़ है, ये जो है मीठी मीठी ये काढ़ा पत्ता है। आपका बड़ा लगाव है, जिस तरह आपने गार्डन लगाया हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आपको मैं उत्तर दे दूँगा जहाँ बागवानी है, मतलब आम का पेड़ है, एल्बर्ट ड्राफ है, आप फल देखिए। बादाम का पेड़ है? हाँ, बादाम का पेड़। ये कुंदरू भी लगा दिए हैं,
शौकीन भी सब्जी का भी पैसा बच जा रहा है इनका। ये देखिए सर, ये है इसको हाँ। कड़ी पत्ता, जिसको कड़ी पत्ता का पेड़ है ये कड़ी पत्ता। जी जी कड़ी पत्ता है। ये ले लीजिए। तो डोंगल एक्टिवेट हो गया? हाँ मेरा डोंगल एक्टिवेट। डोंगल कहाँ है? मैं दिया हूँ पेमेंट की। कहाँ दिए? गाजीपुर जैसे देते हैं, खुद ही जाकर देते हैं, लगाते हैं हम खुद ही अपने साथ। अपने तो इस समय डोंगल आपका आपके पास नहीं है? नहीं, डोंगल का मेरा ये है, जैसे पेमेंट देते हैं अभी जैसे मैं गया था। ये सभी को मालूम है कि प्रधान का डोंगल प्रधान का लगता है, सिक्योरिटी का डोंगल सिक्योरिटी का लगता है। तो आपका डोंगल है कहाँ इस समय? है मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। अच्छा, ये सारे गुलाब हैं देख रहे हैं, वाइट कलर का है, एक पर्पल कलर का है, एक येलो और मिक्स कलर है, एक ऑरेंज वहाँ पर है, और समी 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 का ये इसको क्या बोलते हैं? ये ब्लू कलर का ही फूल है, मतलब इसको नीला फूल ही बोलते हैं हम लोग। प्रधान जी गार्डनिंग भी करते हैं, इनके पीछे देखिए वातावरण, ग्राम प्रधान जी दिखा रहे हैं यहाँ पर, दिव्यांग शौचालय देखने चल रहे हैं, रसोई घर क्योंकि स्कूल बंद हो चुका है इसलिए देखा नहीं जा सकता अंदर। अभी निर्माणाधीन चल रहा है, करीब करीब पूरा कार्य आपका हो चुका है, शौचालय भी आपका बहुत अच्छा है। ये कौन सा शौचालय है? ये दिव्यांग शौचालय है सर। जी जी शौचालय तो टाइल्स वगैरह आपने बहुत अच्छा लगवा दिया है। जी जी और कलर भी बहुत अच्छा है, मछली वगैरह है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है तो वो चीज़ें। अच्छा, क्या सभी दिव्यांग इस पर यूज़ कर लेंगे? जी हुँ? जो हैंडीकैप होंगे यहाँ पे लेके एक सपोर्टिंग रेलिंग लगाना है अभी बाकी है, यहाँ से पकड़ के वो बैठना चाहें पैर से, अगर मजबूत नहीं है तो यहाँ से पकड़ के बैठ सकते हैं। इसमें देखिए जेट पंप लगा हुआ है, आप जब जेट पंप का यूज़ करेंगे तो जेट पंप भी है, इसके साथ एक मक्का हो जाएगा ताकि वो आज से ही इतना कर लें। इधर इसमें गाड़ी भी लाना चाहते हैं तो गाड़ी भी ला करके यहाँ खड़ी कर सकते हैं। इस तरह से इसका स्वरूप दिया गया है। अच्छा, इसमें पैंट वोट के लिए भी तो हैंगर नहीं है प्रधान जी? किसके लिए सर? हैंगर देखिए, हैंगर तो वो नहीं है सर, ये टॉयलेट है, मतलब बाथरूम नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे लगाना चाहिए तो लगा दूँगा सर, लगा दूँगा हैंगर बना। चाहते हैं तो समस्या न बने, समाधान बनने की कोशिश करें। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे शिक्षा देती है। फिलहाल एक कंडम भवन है प्राथमिक स्कूल अड़िला में।